अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। राजा तारिक आपसे मुखातिब हूँ। आज आपको एक कंस्ट्रक्शन साइट की विज़िट करा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, इसकी जो मेजरमेंट है तकरीबन एक कनाल का घर है। ये डिफेंस हाउसिंग 30 DHA में जो आपके सामने अभी नज़र आ रही हैं, इसकी ज़मीन दोज जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, कमर बेश कोई 9 फुट नीचे है और इस मिट्टी जो निकाली गई है वो सामने साइड पे रखी गई है। बहुत बड़ा देखें ढेर है, डंप है, बहुत बड़ा इसका जो मिट्टी का है। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करके इसकी बेस जो है बहुत मज़बूत बनाई जाती है, उसके बाद ये अभी जो है ग्राउंड फ्लोर बन रहा है। बेसमेंट इसकी फ़िलहाल नहीं है, शायद बाद में निकाल लें, लेकिन प्रेजेंटली बेसमेंट नहीं है। मज़दूरों की आज छुट्टी है, जुमा है, और इन्होंने सबसे पहले कितने प्यारी देखें झोंपड़ी बनाई है अपने लिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखें अपने रहने के लिए इन्होंने, क्योंकि जब अमला आता है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे तो फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने रहने के लिए एक टेम्परेरी हट बनाते हैं जिसमें कम अज़ कम 6 से 7 बंदे बैठते हैं, इनके स्टे कर सकते हैं। उसके साथ सीमेंट वगैरह रखा जा सकता है, बाकी टूल्स हैं, बेलचे हैं, कसियाँ हैं, उसका रेडी वगैरह होगी, इवन के इनका कुकिंग का भी जो है ना निज़ाम इसी के अंदर ही है। बहुत ही प्यारा इन्होंने अपना सेटअप किया हुआ है, लेकिन सर्दी का मौसम है उस हिसाब से तो नहीं है जिस तरह हम कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन यह है कि इन्होंने अपने लिए बहुत ही प्यारा निज़ाम कर लिया। मैंने विज़िट किया, इस तरह दिखाऊंगा, इसी साइट के साथ ही है दूसरी कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, वहाँ पर भी इन्होंने कंस्ट्रक्शन तो नियरली कंप्लीट है और लकड़ी का काम भी साथ साथ जारी है। यहाँ पर मशीन जो है आरा मशीन यहाँ पे मोबाइल की हुई है, मोबाइल आरा मशीन है इनकी, और इसी के अंदर ही इन्होंने सारा निज़ाम एडजस्ट किया हुआ है, सारे साथ साथ फिटिंग हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस अमले से भी आपसे बात भी कराएंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो छुट्टी भी थी। जी हाँ, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। आज की यही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैंडी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगे तो कैंडी अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।